उसी में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूँ आपका मेज़बान साजा गोरी, आप देखिए प्रोग्राम मेरा शहर मेरे लोग। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहूवाला में, जो कि बरकी रोड के ऊपर इलाका हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी का। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है जो कि बिजली की तारों का। यहाँ पर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि घर के नज़दीक सारी की सारी दीवारों के साथ तारें जा रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है घर वालों के लिए, बच्चों के लिए। और मैं इस वक्त बहूवाला चौंक के अंदर मौजूद हूँ, मेरे मसीह कम्युनिटी के दोस्त मौजूद हैं। और ये काफ़ी देर से सरापा एहतजाज थे कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, इन्होंने एप्लीकेशन देने की भी कोशिश की, लेकिन वो भी अभी तक पता नहीं अमल हुआ है कि क्यों नहीं हुआ इसके ऊपर। तो मेरे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, घर यहाँ के जो शहरी हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के, और इसी मसाइल के ऊपर ये बात करना चाह रहे थे, तो उन्होंने हमें कॉल की, तो हमने कहा हम इनकी रिपोर्ट बनाएँ। तो सर जी, ये बताइएगा कि ये मसाइल कब से शुरू हुए हैं, ये बिजली की तारें घर बनने से पहले घर के बाद के हैं? 40 साल हो गए। अच्छा, इतने तो लंडा है नहीं, जो तुम घर बनाया तो घर बना तो पहले तारा पीछे सन अगे सन ऐसे ही सन? ठीक है, हाँ जी, वो गली की वीडियो बना दी थी, ऐ वाली गली ऐ वाली पूछा उसको अगे भी। ठीक है, तो यह जरा घर है, यह घर कितना था उपर, जो बच्चे जो आते रहे तो डर नहीं लगता है? अच्छा, तो कोई बनाने तो पहले या खंबा लाने तो पहले क्या नहीं बाप डाले उदो की किया जबरदस्ती लाके चले गए? अच्छा, तो खुदा ना खास अभी तक बाकिया से कोई नहीं हो? अच्छा, वो कितना घर है? अच्छा, वो अगे घर है। नाज़रीन, हम सुन सकते हैं कि यहाँ पर छत के करीब से तार गुजर रही थी, जहाँ पर मेन तार थी वो, और उस बंदे ने कोई चीज़ पकड़ी लोहे की, वो तार उसको अपनी तरफ से खींच लिया, उसकी उस मौके पर डेथ हो गई। और मेरे साथ ये घर वाले भी मौजूद हैं। आपके घर से कितनी दूर है तारे? एक मुंडे नु करंट लगा मुस्लिम नु, तब 2-4 महीने है ने। अच्छा, वो बच गया? हां। अच्छा, वो पड़ता ही हो गया, पूरा चिट्टा हो गया। ठीक है, हमारे तो बिल्कुल दीवार के साथ है। अच्छा, आपके घर से कितनी दूर है? बिल्कुल दीवार के साथ, तकरीबन सेल की दीवार। ठीक है, हम वो घर भी देखते हैं जहाँ पर छत पे जब बच्चा खड़ा था, तो उसने जब एक लोहे की चीज़ पकड़ी तो करंट लगने से उसकी डेथ हो गई। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सारे के सारे जो तकरीबन खंभों के साथ जो तारे नज़र आ रही हैं, ये घर के बिल्कुल साथ साथ हैं। हालांकि जब प्लाटिंग हुई यहाँ पर, तो प्लाटिंग के दौरान तो जब मैनेजमेंट होती है तो उस हिसाब से होती है कि यहाँ पर जो तारे चलनी हैं, जो खंभे लगने हैं, वो घर से तकरीबन 5-6 फुट पीछे हों। लेकिन यहाँ पर जो तरीका का नज़र आ रहा है कि खंभे बिल्कुल घर के साथ साथ हैं। ये देख सकते हैं कि ये दीवार जो है, ये तकरीबन 1.5 फुट की जो एक फासला है घर का, उसके साथ ही ये खंभा लगा है। और इसी तरह ही आगे भी इस तरह खंभे हैं, और ये इस तरह भी देख सकते हैं कि इस तरह भी इस तरह खंभे हैं। और ये भी देखिए, साथ ही ये छत है ऊपर, और साथ ही उसके तार जा रही है। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऊपर बच्चा खड़ा हो जाए या कोई बड़ा कोई कपड़े डालते वक्त कोई ना कोई हादसा ज़रूर हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें बाबडा वालों को जो रिक्वेस्ट करनी चाहिए, जो है SDO है जो यहाँ के इलाके का, उससे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि यहाँ पर लेफ्को की तरफ से जो तारें बिछाई गई हैं, कम से कम इनका सदेबाव किया जाए, इनको आगे पीछे किया जाए, क्योंकि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जाने चली जाएंगी वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान ज़िंदा है तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सारे ऐसे मसाइल छोड़ के चले जाता है जिससे फैमिली को बड़ा मसला होता है। तो मेरा ख्याल है मैं आपको उस घर की तरफ भी ले जाता हूँ जहाँ पर उस बच्चे की डेथ हुई। नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप कि ये बिल्कुल इन्होंने घर वालों ने अपनी सेफ्टी के लिए ये खंभा लगाया दीवार के साथ, ताकि हमारी जो तारें हैं बिजली की वो अंदर ना जा सके। तो आप देख सकते हैं कि ये खंभा इन्होंने अपनी मदद आपके तहत लगाया। हालांकि ये होना नहीं चाहिए। अगर गली की तरफ देखें, वो एक घर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दीवार के साथ घर जा रहा है। ये देखिए नाज़रीन, ये खंभा है, साथ ही ये तारे हैं, मेन जोड़ नज़र आ रहे हैं जहाँ से कनेक्शन आगे तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर बच्चे भी हैं जी, आप देख सकते हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये देखे आप ये गली की, यहाँ पर बच्चा बंदा वो खड़ा था, और यहाँ से इस बंदे को उन्होंने, जिसकी डेथ हुई, उसको ऊपर खींच लिया
लोगों के कहने के मुताबिक। और ये 24 केवीए की मेन तारें जा रही हैं ऊपर घर के ऊपर से, ये आप देख सकते हैं, ये खंभा भी नज़र आ रहा है आपको मेन, और ये देखें ये मेन तारें जो हैं 24 केवीए की, ये आ गई यहाँ से पास होके आगे जा रही हैं, और ये घर से तकरीबन 8 फुट बनता है, और अगर वो दीवार देख लें तो दीवार से 4 फुट है, यानी कि आप देख सकते हैं कि इतनी जो हाई वोल्टेज तारे जो हैं। ये नाजरीन ये बहू वाले का इलाका है जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, और पुरसाने हाल है यहाँ पर। मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो बाबडा की तरफ से जो किए गए काम हैं ये नाकाबले बर्दाश्त हैं यहाँ के लोगों के लिए। ये वो गली है, ये देख लें, और यहाँ से यहाँ का लोगों का कहना है कि यहाँ से बच्चे को उन्होंने बंदे को लोहे की चीज़ों को पकड़ी हुई थी। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ वो भाई मौजूद है जिनका बेटा जिसकी डेथ हुई थी यहाँ पर। भाई ये कैसे हुआ था ये वाक्या? चढ़िया मकान से इको दाम खिंच लिया। केड़े घर दिते? अच्छा ताड़े घर दिते? अच्छा इधर, ठीक है। तो वो तो बिल्कुल फासला कोल ही सी, नीवी जगह सी। तो तुसी कोई बापडा कोई एप्लीकेशन नहीं दी या उन्हें खिलाफ केस नहीं किया? नाजरीन आपको याद होगा कि फाजिले कलोनी के अंदर भी इस तरह ही तारें पानी के अंदर बिछी हुई थी, लोगों ने एहतजाज जब किया तो उसके जो वर्सा थे उनको बापडा की तरफ से कुछ ना कुछ जो पैसे दिए गए, क्योंकि वजह यही है कि जब बापडा की गफलत हो तो जहाँ पर जिस तरह ये तारें हैं आप देख सकते हैं मेन तारे हैं 24 केवीए की। नाजरीन यहाँ पर तकरीबन कोई है कोई 5-6 हज़ार के करीब ख़ानदान यहाँ पर रहते हैं, और तकरीबन 15 करीब चर्चेज हैं यहाँ पे। सरकारी स्कूल तो कोई नहीं है? नहीं। वो बाज़ार में है, वो बंद हो गया। बंद हो गया, अच्छा। सरकारी स्कूल भी कोई नहीं यहाँ पर, पहले था वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि हमारे नाजरीन आप देख सकते हैं जिस तरह ये मेन जो गोला यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है इलेक्शनों के दौरान, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ये जो अभी जो हुआ था वाकया भाई। हाँ जी, तो ये भाई ये सारा और ये अच्छा ये उसी वक्त उसी गली में हुआ है? हाँ जी। तो आपके आपके पास कोई चीज थी लोहे की कोई पकड़ी हुई आपने? कौन सी वाली? अच्छा केबल की तार। तो उसमें आप गुजरते वक्त हुए कि खड़े थे वहाँ पर नीचे? अच्छा, तो आपको भी साथ खेला जा रहा था? नाजरीन ये वो बच्चा है कि जो 2 महीने पहले जो वाकया हुआ है, ये बाजू आप देख सकते हैं, ये देखें ये पूरा बाजू। हाँ जी, और ये इसी हाथ पे बेटा तार थी आपके हाथ में? इस हाथ में तार थी, ये सारा जल गया था, ये दोबारा से आई है। नाजरीन देख सकते हैं कि यही हाथ जो था इसके ऊपर तार थी, और इसी तरह ही इसको खुदावन के फजल से बंदा बच गया है। ये बेटा जो है इसकी दुकान है, ये देखें। हाँ नाजरीन ये देखिए बापडा की गफलत है ये सारी की सारी इस इलाके में। यहाँ पर क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आपस में रहते हैं भाईचारे के ज़रिए, लेकिन यहाँ पर ये देखिए क्या हालात हैं बापडा के। और ये देखें ये मेन गोला जब डाला है इन्होंने तो ये भी देखें ज़मीन से तकरीबन 4-5 फुट है, तो इसको भी इन्होंने ऊपर नहीं किया। हालाँकि इसका नुकसान तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी जो है इसका इतिहास ज़रूरी है। ये मेन तारे हैं, ये देख लें नाजरीन, ये ऐसे लटकाई हुई जैसे तारों पे कपड़े लटकाए जाते हैं। और ये बच्चे देखें नाजरीन, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ भी हैं ये देख सकते हैं, साथ ही जोड़ भी नंगे हैं ये देख लें। और ये हालात देखें यहाँ पर कि हमारी जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हालात देखें यहाँ पर, और सारा को टच हो रही हैं। और ये देखें एहतियात, बगैर एहतियात के लोग बच्चे यहाँ पर खड़े हो सकते हैं आके, लेकिन जब कभी बारिश होती होगी तो फिर क्या हाल होगा? हम घरों के ये सारे भाई बुजुर्ग यहाँ पर जो खड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर घरों में करंट आ जाता है। और ज़मीन से देखें ये कितना नीचे है, तकरीबन 2-3 फुट का ये फासला है। लोग मजबूरी के तहत यहाँ पर रह रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोई तकरीबन 5-6 हज़ार के करीब खानदान है यहाँ पर, और पढ़े लिखे लोग भी हैं यहाँ पर, लेकिन वजह यही है कि यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी होते हुए यहाँ पर जब लोग रह रहे हैं तो सहूलतों का फुकदान है यहाँ पर।
मेन फुकदान यही है कि बाबडा की जो तारे हैं वो घरों के साथ साथ गुजर रही हैं। जब प्लाटिंग हुई उस वक्त तक खंभे नहीं लगे होंगे मेरा ख्याल है, लेकिन जब प्लाटिंग हो गई घर में लोग आना शुरू हो गए तो बाबडा वालों ने क्या किया है, घरों की दीवारों के साथ साथ खंभे लगाने शुरू कर दिए। ये भी पहली एक पॉलिसी होती है बाबडा की तरफ से भी, जब सोसाइटी बनती हैं तो खंभे किस तरीके से लगाए जाते हैं ताकि तारे जो हैं वो पीछे करके लग जाएं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि घर के बिल्कुल साथ साथ कुछ तकरीबन 5-6 इंच के फासले पर घरों के साथ तारे जा रही हैं, और मैं यहाँ पर जब खड़ा हूँ तो यहाँ पर ऊपर 24,000 वॉट की जो मेन वायर था वो चल रही हैं, और यहीं पर एक बच्चा जो है वो जिसकी डेथ हुई है, दूसरा फिर वो 2 साल पहले हुई जिसके वाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनके साथ गम में बराबर के शरीक हैं। और अब जो 2 महीने पहले की बात है फिर एक बच्चे के साथ इस टाइम वाकया हुआ, लेकिन वो बच्चा खुदावंद के फजल से बच गया। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह जो गफलतें आ रही हैं वाबडा वालों को इसके बारे में सोचना चाहिए, जो मेन तारे यहाँ से गुजर रही हैं उनके बारे में कुछ देखा जाए। पीछे तो नहीं कर सकते लेकिन किसी ना किसी तरीके से इसका हल ज़रूर निकल सकता है। मेरा ख्याल है कि हल निकलना चाहिए, नहीं तो कई जानें ऐसी यहाँ से ज़ाया हो सकती हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, मुझे और कैमरामैन को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।